सो हेलो फैमिली, वेलकम टू द एक्सपोस। इन दिस वीडियो और इन दिस एपिसोड हम बात करेंगे ओल्ड टू न्यू कन्वर्जन ऑफ स्कॉर्पियो, दैट इज कन्वर्टिंग योर ओल्ड जनरेशन स्कॉर्पियो टू न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो। यस, दिस इज पॉसिबल एंड लॉट्स ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड देयर ओल्ड स्कॉर्पियो टू न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो, इंक्लूडिंग मी। यस, आई हैव गॉट कन्वर्टेड माई ओल्ड जनरेशन स्कॉर्पियो टू S11। ओके, लेट्स जंप आउट टू द टॉपिक। इन दिस वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग और डिस्कसिंग कि मैंने कहाँ से काम कराया, कितना काम हुआ, क्या आउटपुट था, इज इट रियली वर्थ इट और नॉट, एंड इन द लास्ट आई विल बी कंक्लूडिंग वेदर यू शुड गो फॉर दिस और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्टिंग ऐसे होती है कि वन डे आई वॉज सिटिंग एंड वॉचिंग यूट्यूब एंड सडनली आई सॉ वीडियो ऑफ ओल्ड स्कॉर्पियो गेटिंग कन्वर्टेड इन टू न्यू शिप। आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो आई वॉज मेसमराइज्ड एंड आई वॉज रियली हैप्पी बिकॉज आई ऑलरेडी हैड दैट ओल्ड जनरेशन 2005 मॉडल स्कॉर्पियो। तो स्टार्टिंग ऐसे हुई एंड देन आई स्टार्टेड स्क्रोलिंग ऑन यूट्यूब कि कौन अच्छा काम कर रहा है, किसके प्राइसेस बेटर हैं। फिर मुझे मिलते हैं ध्रुव भैया, उनका चैनल टी मैकेनिक के नाम से है। मैंने उनके कन्वर्जन की वीडियोस देखी एंड आई लाइक्ड हिज वर्क एंड द प्राइसेस शोन इन द वीडियो वो वेरी रीजनेबल एंड मैंने आई मेड अप माई माइंड कि काम तो मैं टी मैकेनिक से भी करवाऊंगा, ऑल्दो देयर वर मेनी ऑप्शंस इन द मार्केट। तो अब आप लोगों को एक चीज़ तो क्लियर होगी कि फ्रॉम वेयर आई गॉट कन्वर्टेड माई स्कॉर्पियो, दैट इज़ बाई डी मैकेनिक न्यू दिल्ली। मैं ज़्यादा खुश इसलिए था क्योंकि कन्वर्जन अमाउंट वॉज नॉट ह्यूज, ह्यूज इन द सेंस इट वॉज अ रीजनेबल अमाउंट। एक्चुअली मैंने जो वीडियो देखी उसमें भैया ने एक MP की स्कॉर्पियो को कन्वर्ट किया था 185,000 में, इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर। मैंने वही वीडियो देखकर उनको कॉन्टैक्ट किया और कॉन्टैक्ट करने के बाद भैया ने मेरे से बोला क्योंकि आपकी स्कॉर्पियो 2005 मॉडल की है तो इसमें 7,000 to 8,000 एक्स्ट्रा लगेंगे बैकलाइट को शेप देने के लिए, और इसमें टायर और अलॉयज का अमाउंट ऐड नहीं है, वो भी अलग से लगेगा जो भी आप पसंद करोगे। आई सेट ऑल राइट, नो इश्यूज। सो अब जो अमाउंट सेट हुआ इट वॉज 1,85,000 प्लस 7,000 बैकलाइट प्लस 3,000 लेबर प्लस 7,500 के हब एंड 30,000 के टायर्स एंड अलॉय, टोटल हुआ 2,30,000 का। सो अब जो 1,85,000 से बजट 2,30,000 का पहुंचा तो फॉर अ वाइल आई चेंज माई माइंड बट लेटर ऑन आई डिसाइडेड कि लेट्स डू दिस, आई मीन लेट्स ट्राई दिस। तो मैंने एक ड्राइवर लिया, दिल्ली पहुंच गया और वहां पर मैंने कार ध्रुव भैया को दी, 50,000 एडवांस दिया और एडवांस देने के बाद मैं वापस आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितना टाइम लगा मेरी कार को कन्वर्ट होने में। इन टोटल इट टुक अबाउट 6 months टू कम्प्लीट माई कार। स्टार्टिंग के 4 months में कुछ भी काम नहीं हुआ, लास्ट के 2 months में सारा काम हुआ जिसमें मुझे बार बार दिल्ली जाना पड़ा, 10 से 15 बार दिल्ली जाना पड़ा, मुझे बार बार भैया को फोर्स करना पड़ा कि मेरी कार कंप्लीट कर दीजिए। तो अब बात करते हैं आउटपुट की एंड दी टोटल अमाउंट दैट आई पेड। तो स्टार्टिंग में मैंने जैसा कि बताया कि 2,30,000 का बजट हो गया था और मैंने 50,000 एडवांस ध्रुव भैया को दिया। आफ्टर 4 months प्राइसेस वर रिवाइज्ड और उन्होंने मेरे से बोला कि अब 1.50 लाख एक्सटीरियर के लगेंगे और 1,00,000 रुपीज़ इंटीरियर के लगेंगे। रीज़न ये था कि सारे पार्ट्स महिंद्रा के जेन्यून लगाए जाएंगे। तो मैंने कहा ओके कोई नहीं, अब बजट क्योंकि यहीं पर इंटीरियर और एक्सटीरियर का 2.50 लाख पहुंच गया प्लस 30,000 के टायर्स एंड अलॉय प्लस 7,500 की हब प्लस 10,000 के सस्पेंशन के पार्ट्स आए मेरे, 10,000 to 12,000 वॉज चार्ज फॉर दिस सर्विस। तो द टोटल अमाउंट दैट आई पेड वॉज 3,20,000 बट दिस वॉज नॉट द एंड, दिस वॉज जस्ट द स्टार्टिंग। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई प्रॉब्लम्स दैट आई एम फेसिंग टिल नाउ एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले आपको एक कार का वॉक अराउंड दे देते हैं कि 3,20,000 में हमें क्या क्वालिटी वर्क मिला। आइए पेंट की क्वालिटी देख सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ द पेंट इज वेरी पुअर एंड ट्रस्ट मी दिस इज द वर्स्ट पेंट जॉब आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। चलिए आपको और दिखाते हैं, बैकबोर्ड का दिखाते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अबव द बैकलाइट स्वेलिंग हैज स्टार्टेड, यहाँ पे स्वेलिंग आने लगी है प्लस रस्टिंग भी आ रही है गाड़ी में, ऊपर रस्टिंग आने लगी है गाड़ी में। अब आपको बैक डोर का भी दिखाते हैं कि यहाँ पे एक कवर लगता है बट उस टाइम उन्होंने बोला कि ये अवेलेबल नहीं है और अभी ये लग नहीं पाएगा, और जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो एक स्पीकर इसका रास्ते में निकल गया था। चलिए अब आपको कुछ अंदर का क्वालिटी वर्क दिखाते हैं कि अंदर से कैसा क्वालिटी वर्क मिला।
यहाँ का मिरर उन्होंने लगाया नहीं, ये भी उन्होंने बताया कि ये अवेलेबल नहीं है, बाद में लगाएंगे, तो हम लोग इसको बिना लगवाए आगे। फिर एसी का भी क्वालिटी वर्क आपको दिखाते हैं कि एसी की वेंट्स जब इन्होंने डैशबोर्ड चेंज किया तो जो पुराना वाला डैशबोर्ड था उसमें पाइप्स लगी हुई थी, तो जब डैशबोर्ड हटा तो उन्होंने पाइप्स भी हटा दी, और जब उन्होंने ये नया वाला डैशबोर्ड सेट किया तो इसमें जो पाइप्स होती हैं उन्होंने पाइप्स की जगह कार्डबोर्ड सेट कर दिया एसी वेंट्स की जगह अंदर। एंड दिस वॉज, और ये मुझे पता चला समर्स में, क्योंकि मैं विंटर्स के एंड में गाड़ी लेकर आया था तो एसी की ज़रूरत थी नहीं, और जब समर्स में ये कूलिंग नहीं कर रही थी तो मैंने इसका वेंट खुलवाया, तो पता चलता है कि पाइप्स की जगह कार्डबोर्ड सेट करके रखा हुआ है। चलिए बाहर चलते हैं और आपको कुछ बाहर का क्वालिटी वर्क दिखाते हैं। आप जैसे कि ये क्लैडिंग देख सकते हैं, ये अभी से अलग होने लगी है। आइए, दीज आर दी हेडलाइट्स। इन हेडलाइट्स के लिए मुझे 10 to 12,000 चार्ज किया गया था, और ये नई हेडलाइट्स नहीं थी, किसी पुरानी स्कॉर्पियो की हेडलाइट्स उन्होंने इसमें डाल दी थी। तो मैंने आपको क्वालिटी वर्क तो दिखा दिया कि 3,20,000 में क्या हमें क्वालिटी वर्क मिला। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स दैट आई एम फेसिंग टिल नाउ एंड हाउ मच मोर मनी आई हैव इन्वेस्टेड आफ्टर पेइंग 3,20,000। हमारी कार रेडी हुई और हम लोग पेट्रोल पंप पे गए डीजल फुल करवाने के लिए। हमने डीजल फुल करवाया और डीजल फुल करवाते ही हमने देखा कि नीचे का जो टैंक है डीजल का वो लीक होने लगा, एंड मीटर वॉज डेड, मतलब वो इट वॉज नॉट शोइंग वेदर इट इज़ एम्प्टी और फुल। तो मैंने भैया से पूछा कि भैया इसका मीटर तो काम नहीं कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि डीजल फुल हो गया, शायद इसलिए कुछ हो गया होगा। मुझे पता था वो झूठ बोल रहे हैं, पर मैं वहाँ से बाहर निकलना चाहता था बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे मेरे को कन्वर्जन में लग गया था, तो मैं जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाहता था। तो उन्होंने डीजल टैंक को ठीक करने के लिए किसी बंदे को बुलाया, वो टेम्प्रेरी ठीक हुआ और हम लोग वहाँ से निकल आए। झांसी आने के जस्ट पहले दोनों टायर पंचर हो गए, ग्वालियर में दोनों टायर पंचर हो गए। हमने पंचर ठीक कराया, हम घर आते हैं, घर आके हम देखते हैं कि दोनों टायर फिर से पंचर हो गए। और वन डे वी वेंट फॉर अ राइड, हम लोग बाहर गए तो जो पीछे वाला टायर है वो बस्ट हो गया। लकीली नोबडी वॉज इंजर्ड इन दैट, वी वॉज सेफ। तो आफ्टर दैट वी हैड नो चॉइस, हमने नए टायर खरीदे झांसी से, डेट कॉस्टेड अराउंड 22,000 का पेयर था, तो ये एक एक्सपेंस ऐड हो गया। सेकेंड इशू बेल्ट का आने लगा, मैं जब भी एसी ऑन करता था तो बेल्ट टूट जाती थी। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये वाली बेल्ट है, जब भी एसी ऑन करता था तो ये वाली बेल्ट टूट जाती थी। इसमें तीन पुली होती है, नीचे वाली पुली ऑफ रहती है, और जब भी एसी ऑन होती थी तो इसको बेल्ट को तोड़ देती थी। मैंने ऐसे 10 से 12 बेल्टें खरीदी होंगी, जो 400 रुपीज़ की पड़ती थी, तो दिस टोटली कॉस्टेड मी अराउंड 4,000 रुपीज़, और ये प्रॉब्लम इसकी सॉल्व ही नहीं हो रही थी। तो मैंने मैकेनिक को दिखवाया तो वो बोलते हैं कि भैया आपकी तीनों पुली चेंज होंगी और इसमें टोटल खर्च आपका 6,000 रुपीज़ का आएगा। तो मैंने कहा ओके, उसको भी कराते हैं। तो मैंने तीनों पुली चेंज कराई, दोनों बेल्ट चेंज हुई, एंड दिस टोटली कॉस्टेड मी अराउंड 6,000 रुपीज़। अब वन डे आई टुक माई कार फॉर अ राइड और मैंने नोटिस किया कि स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है। मैं उतरा, मैंने बोनेट ओपन किया और देखा कि बेल्ट फिर से टूट गई है, एंड स्टेयरिंग पंप वॉज लीकिंग, एंड हियर वी गो अगेन। स्टेयरिंग पंप चेंज हुआ, दोनों बेल्ट चेंज हुई, और इस प्रोसेस में एसी की गैस भी निकल गई, वो भी चेंज हुई, एंड दिस टोटली कॉस्टेड मी 16,000 रुपीज़। 8,000 रुपीज़ का स्टेयरिंग पंप आया और बाकी का अलग एक्सपेंस था। द प्रॉब्लम्स ऑफ माई कार वॉज नॉट एंडिंग एट ऑल। तो अब मैं एक दिन फिर से बाहर निकला और आई वॉज रिटर्निंग, तो मैंने रिवर्स गियर डाला और गियर ही मेरे हाथ में आ गया। एक्चुअली मैं जो उन्होंने डैशबोर्ड सेट किया था उसमें गियर फंस रहा था, तो उन्होंने एक रॉड लेकर उस पर तीन जगह वेल्डिंग की थी, अलग अलग जगह। वो जहाँ से उन्होंने वेल्डिंग की थी वो वहीं से टूट के मेरे हाथ में आ गया। तो क्या, किसी तरीके से हम लोग फिर से कार ले गए एंड पुराना वाला गियर डलवाया, दैट कॉस्टेड अराउंड 1,000 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़ लेबर। आफ्टर दिस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मीटर वॉज नॉट वर्किंग, तो मीटर पे काम करवाया, न्यू मीटर कॉस्टेड अस 3,000 रुपीज़ प्लस 1,000 लेबर, ये 4,000 हो गया। अब सब कुछ सही चल रहा था, पर कुछ टाइम बाद इसकी गाड़ी का सेल्फ भी ख़राब हो गया, सेल्फ चेंज हुआ, उसकी कीज़ भी चेंज हुई, प्लस कीज़ के साथ सेल्फ के नीचे एक फ्यूज़ होता है वो भी चेंज हुआ। दिस ऑल कॉस्टेड अराउंड 5,000 रुपीज़। इतना सब कुछ होने के बाद अब बारी थी एसी की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने पाइप्स की जगह
कार्डबोर्ड सेट कर दिए थे, तो हम लोग एसी वाले के पास इसको लेके गए, तो उन्होंने बोला भैया आपका पूरा डैशबोर्ड उतरेगा, पाइप्स लगेंगी और गाड़ी की जितनी भी फ्यूज हैं सारी फ्यूज चेंज होंगी, एंड दिस कॉस्टेड अराउंड 12,000 rupees. नाउ दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट. इतना सब कुछ कराने के बाद मेरा तो बैंड बच चुका था, बोथ पॉकेट से भी और घर वालों से भी. द इशू वॉज नॉट रिसॉल्विंग और अब हमारी कार की वायरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हीट होने लगी थी, ओवर हीट होने लगी. तो हम इसको लेके गए दिखाने के लिए, तो मैकेनिक ने बोला कि भैया आपकी कार की वायरिंग पूरी डायरेक्ट कर दी गई है, ये कभी भी शॉर्ट हो सकती है. तो मैंने कहा अब क्या करना है. तो उन्होंने बोला कि पूरी वायरिंग चेंज होगी. मैंने कहा ओके. तो पूरी वायरिंग चेंज हुई एंड दिस कॉस्टेड अराउंड 15,000 rupees. नाउ आफ्टर पेइंग 320,000 आई हैव इन्वेस्टेड 120,000 मोर ऑन दिस कार. आई डोंट नो वेदर आई शुड से इन्वेस्टेड और वेस्टेड, but no doubt this all was a waste of money. So now the time has come for conclusion, but before concluding I would like to say ki meri d mechanic ya dhruv bhaiya se koi personal grudge ya issue nahi hai. Ho sakta hai kisi ka kaam bahut acha hua ho, ye bhi ho sakta hai ki kisi ka kaam bahut kharab hua ho. Maine is video mein sirf apna view rakha hai kyunki meri car ka kaam bahut kharab hua ho, and everybody has the right to keep their view, and that's what I have done. This was the complete story of conversion. Before ending this video, I would like to add my view that there is no need to convert your Scorpio. See, Scorpio is a legendary car and every model of Scorpio was made with perfection. Aap log ya jitne bhi log abhi convert karane ke piche pade hain, after getting converted, you will realize ki aapne apni antique car kho di hai, including me. This was all. Thanks for watching this video. Please do like, share, subscribe my channel for more genuine content, for more exposing content. Jai Hind, Jai Bharat.